السلام عليكم ورحمة الله وبركاته प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा तारी और मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे डेस्क पे एक छोटा सा रोबोट बैठा हुआ है। तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये ना अभी थोड़ी देर पहले इसको मैं बनाया, तो मैंने सोचा कि ना एक वीडियो बना दी जाए। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल नेशन लाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से ये आपको रेड कलर का आइकन नजर आ रहा होगा, फौरन से इसको क्लिक करके इसको ग्रे कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके साथ साथ बेल आइकन अपेयर भी होगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो हम आपको तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं छोटा सा रोबोट मेरे सामने बैठा हुआ है। ये आपको एक तरह का सिपाही भी लग रहा होगा, पढ़ाकू भी लग रहा होगा। ये तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही ये क्या चीज़ है, लेकिन आप दोनों ही बना लें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। देखिए, असल में यहाँ पर मैंने ज़रा इस रोबोट को ना ज़रा एक लुक देने के लिए तो मैंने इसका मुंह बना दिया है। ये इसके ज़रा ये चश्मू लग रहा है अभी पढ़ाकू कीड़ा। आपको ये कैसे लग रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो फ़ौरन से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और इसके साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी एक सिंबल अभी मैंने को खड़ा किया है, अभी मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर एक बटन है, ये जैसे ये टिंकी जो है ना आपको तलवार की तरह मैंने इसको शो करने के लिए ताकि सिपाही शो लगे, पर ऐसा लगे कि पहली मरतबा कोई पढ़ाकू कीड़ा सिपाही बनकर फौज में आ गया। चले हम आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं। ये हमने कर दिया इसको ऑन, अब ये देखिएगा ये कितना ये घूम रहा है। देखिए देखिए, कह रहा मुझे भी आपके, कह रहा मुझे अपने दोस्तों के पास आना है। ये देखिए, चले मैं आपको अब इसका प्रोसीजर समझाता हूँ। ये किस तरह काम कर रहा है, जो मेन जो चीज है ना, ये चीज़ है इस पूरे रोबोट की मेन चीज़। यानी कि ये रोबोट ना, ये नहीं कि ये इसको ऑटोमेटिक पंख चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल मैंने इसके स्टिक्स लगाई हुई और कुछ भी नहीं है, बस ये सिंपल एक स्टैंड है। जैसे हम कपड़े हैंग करने के लिए स्टैंड यूज़ करते हैं, बस सिंपल ये वही है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, कुछ समझ रहे हो क्या है यार, ये बस वैसी ही गंदी सी चीज़ है, लेकिन इस पूरे रोबोट को काम करने के लिए दिस इज़ अ मेन चीज़। ये वो चीज़ है इस पूरे रोबोट को काम करवा रही है। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ होगी, यही वो चीज़ है जो इस पूरे रोबोट को काम करने में सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही है। ये यानी कि इसको कमांड दे रहा है, ये कमांड दे रहा है ये बटन कि अब तो उन्हें चलने का वक्त आ गया। लेकिन अगर हम ये नहीं चलाएंगे, देखिए फॉर एग्जांपल ये मैंने रखा, ये मेरे हाथों में, ये मैंने यहाँ रख दिया, ये देखिए बस सिंपल नो वाइब्रेशन, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जैसे मैं इसको, ये देखिए ये मैंने लगाया, अब ये काम करने पे आ गए। देखिए अब आप खुद सोच रहे होंगे यार इतनी सी नन्ही सी चीज़ है, डंडा सा, ये पूरे रोबोट को किस तरह काम कर रहा है। मैं आपको समझाता हूँ, ये जो मोटर है ना, ये ना असल में ये बैटरी इसको जब इसको भेजती है, सिग्नल भेजती है कि अब तुमने काम करना है, बटन की मदद से जब बटन ऑन होता है, इसको जब कमांड आता है कि अब तुमने काम करना है, तो ना इसके अंदर होती है वाइब्रेशन पैदा होती है। जब वाइब्रेशन पैदा होती है ना, उसी की मदद से ये पूरा रोबोट चल रहा है। ये जो चीज़ है ना, अब अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज चलेगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये असल में पूरा रोबोट काम कर रहा है वाइब्रेशन की मदद से। यस, आपने ठीक सुना, वाइब्रेशन की मदद से नन्ही सी चीज जो आपको एक सिपाही पढ़ाकू कीड़ा लग रही होगी, वो इस नन्ही सी चीज इस डंडे की मदद से, पूरी वाइब्रेशन की मदद से इस पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा सकती है, डेस्क का चक्कर लगा सकती है। यू कैन इवन इमेजिन, मुझे खुद पहले समझ नहीं आता यार ये क्या है। मैंने ना बस वैसे ही बनाया, मैंने देखा यार ये क्या है, मुझे शौक है इन दिनों की चीज़ें बनाने का। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके सामने लाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस पे लाइक और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको अपने दोस्त रिश्तेदार और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आपको चलते हैं अपने पॉइंट पर। ये चीज़ जो है ना वाइब्रेशन की मदद से काम करती है। ये देखिए, ये मैंने चलाया, आपको सिर्फ सिंपल आवाज़ें आ रही होंगी। ये
ये जो तीर है ना, ये असल में एक डंडा का कुछ टाइप सा है जिसको मैंने मोड़ दिया है, और इसकी मदद से ये पूरा घूम रहा है। ये देखिए, अब इसकी मदद से ना ये पैदा, ये जब इसको अटैच होता है ना, ये देखिए मैं पूरा एंड तक लेकर जा रहा हूँ। ये इस पूरे में ना वाइब्रेशन पैदा करती है कि अब ये वाइब्रेट हो रहा है, ये वाइब्रेट होके हिलता है। ये देखिए, ये नहीं कि प्रॉपर चले, ये वाइब्रेट होके इस तरह चलता है। ये देखिएगा, देखिए अब और कीजिए, वाइब्रेट हो रहा है। ये देखिए मेरा हाथ भी वाइब्रेट होने लग गया होगा, देखिए आपको नजर आ रहा होगा। दिस इज द मेन थिंग दैट इज यूज इन दिस होल रोबोट। अगर आपको मजीद इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दुबाना जुबाना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बताऊं कि मैंने रोबोट किस तरह बनाया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा कि हम इस नन्ना से रोबोट को किस तरह बनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।